ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है और इसमें ये देखिए क्रोमोसोम्स हैं। तो क्रोमेटिन जो होता है ये एक कॉम्प्लेक्स है डीएनए और प्रोटीन का। डीएनए और प्रोटीन जब मिलते हैं एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो वो क्रोमेटिन कहलाता है। क्रोमेटिन जो है वो इंटरफेज न्यूक्लियस में मिलता है, ये अनकंडेंस्ड होता है और ये डिफ्यूज रहता है न्यूक्लियस के अंदर। जब ये कंडेंस करता है, जब सेल डिवाइड करता है तब ये क्रोमेटिन कंडेंस करता है और कंडेंस करके तब ये बनाता है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो है क्रोमेटिन के कंडेंसेशन से बनता है। अब ये जो क्रोमोसोम होता है वो एक बैक्टीरियम में या प्रोकैरियोटिक सेल में नेकेड होता है। नेकेड का मतलब ये हो गया कि इसके क्रोमेटिन में प्रोटीन नहीं पाई जाती है। ये सिंपल एक सिंगल डीएनए सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है, इसमें प्रोटीन जो है इसका एब्सेंस होता है। यूकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम होता है वो सिंगल लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है, इसमें प्रोटीन मिली होती है। तो ये देखिए एक क्रोमोसोम है, जब सेल डिवाइड करता है और प्रोफेज मेटाफेज में आता है तो ये इसकी क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस हो जाती है और कंडेंस हो जाती है तो उसमें क्रोमेटिड्स विजिबल हो जाते हैं। ये जो क्रोमेटिड है इसका टाइम टू टाइम डेफिनेशन क्रोमोसोम की चेंज होती रहती है। एक मेटाफेज और एनाफेज क्रोमोसोम में, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स होते हैं और एक टेलोफेज का जो क्रोमोसोम होगा उसमें एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड का होता है। जब इंटरफेज स्टेज होती है और सेल को जब डिवाइड करना होता है तब यही क्रोमेटिड जो है जो एक सिंगल लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल का बना होता है उसका रेप्लिकेशन हो जाता है। उसको क्रोमेटिड कहिए या उसको क्रोमोसोम कहिए, वो अपने को रेप्लिकेट करता है, अपने को डबल करता है। तो एक तो ये ओरिजिनल रहता है, एक डुप्लीकेटेड हो जाता है। तो मेटाफेज और एनाफेज क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स बहुत क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। उसका कारण होता है कि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता रहता है और क्रोमोसोम जो होता है शॉर्ट और थिक हो जाता है। जब शॉर्ट और थिक हो जाता है तब ये बहुत क्लियरली विजिबल हो जाता है। और इंटरफेज स्टेज में वो 30 nm फाइबर के रूप में मोस्टली रहता है क्रोमेटिन, तब उसकी विजिबिलिटी नहीं रहती है।